हेलो माय लवली फूडीज, टुडे यू आर वाचिंग विथ नबनीता। एंड आज आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ मैं, वो बहुत ही इजी एक ब्रेकफास्ट रेसिपी है, जो है अंडा भुर्जी चीज़ सैंडविच। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले जो चाहिए वो है एग भुर्जी, और इसके साथ चाहिए ब्रेड्स। ब्रेड्स का एजेस जो है किनारे मैंने काट लिया है अच्छे से, और ब्लैक पेपर पाउडर, ज़्यादा नहीं चाहिए, हाफ टी स्पून काफ़ी है। बटर, मैंने यहाँ पे सॉल्टेड बटर यूज़ किया है। चीज़ स्लाइसेस, कुछ भी ग्रेट क्या हुआ चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो करूँगी वो है बटर ब्रेड के ऊपर अच्छे से लगा लूँगी। फ्रेंड्स, ये एक साइड पे अप्लाई करना है बटर, कोई एक साइड ब्रेड का बटर अप्लाई कीजिए। फ्रेंड्स, ये बहुत ही एक सिंपल रेसिपी है और बनाने भी एकदम बहुत जल्दी से हो जाते हैं। सुबह बच्चे अगर स्कूल में ये ब्रेकफास्ट लेके जाते हैं, स्नैक टिफ़िन में लेके जाते हैं, तो बहुत अच्छा है। और अंडा भुर्जी, तो अगर आपको पूरा रेसिपी चाहिए तो आप मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप एक बार ज़रूर चेक कीजिए। उसके बाद बटर अप्लाई करने के बाद उसके ऊपर अंडा भुर्जी डालिए, जितना आपको अच्छा लगे उतना ही डालिए। ये बहुत ही एक यूनिक रेसिपी है फ्रेंड्स। मैंने सोचा कि लेफ्ट ओवर अंडा भुर्जी कभी कभी रह जाते हैं, तो उसको कैसे यूज़ किया जाए जल्दी से। तो मॉर्निंग में मेरा बहुत काम आसान हो गया मैंने जब ब्रेकफास्ट बना लिया ऐसे बच्चों के लिए। तो नेक्स्ट मैं जो करूँगी वो है, मेरा जो चीज़ स्लाइस मैंने लिया था उसको ऊपर ऐसे करके प्लेस करूँगी। और देखिए, मैंने बटर का जो साइड है वो ऊपर रखा है इसीलिए कि आप जब इसको तवे पे सेकोगे तो वो आपको अलग से बटर नहीं लगाना पड़ेगा। मैं दूसरा ब्रेड भी उसी हिसाब से लगा लूँगी जैसे मैंने पहले लगाए थे बटर। इन अ सिमिलर वे अब उसमें अंडा भुर्जी, और यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी बनाना है तो ज़रूर ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ कीजिए। और उसके ऊपर चीज़ स्लाइस दे दीजिए, ग्रेट किया हुआ चीज़ भी आप डाल सकते हो, वो भी इजी है। चीज़ को थोड़ा सा मेल्ट कराना है आपको, तो इसके लिए सबसे पहले गैस को ऑन कीजिए और उसके बाद एक तवा ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा और बटर अप्लाई कीजिए जैसे मैं अभी कर रही हूँ। बटर बच्चों के सेहत के लिए अच्छे होते हैं फ्रेंड्स, सो डोंट वरी, बी जेनरस विद बटर। एंड देन आपको ब्रेड वहाँ पे रखना है तवे पे। देख सकते हो अभी एक साइड जैसे ही हो जाए आप दूसरे साइड फ्लिप कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पे दो एक साथ करना चाहती हूँ इसीलिए थोड़ा सा और बटर ले लिया है, और दोनों ब्रेड एक साथ मैं सेकना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, मैं अभी इसको 1 मिनट के लिए कुक करूँगी, वो इसीलिए ताकि इसका जो चीज़ है वो बिल्कुल मेल्ट हो जाए और बहुत अच्छा टेस्ट आ जाए। अभी मैं इसको फ्लिप किया दूसरे साइड, देखिए ऐसा कितना सुंदर गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। और दूसरा साइड को भी अगर आपको ऐसे ही कलर लाना है तो ज़रूर उसको थोड़ा सा कवर करके कुक कीजिए, और मेरा सैंडविच बिल्कुल रेडी है। अभी मैं इस ब्रेड को स्लाइस करूँगी, ट्रायंगल शेप दूँगी इसको, और ये सीधा चला जाएगा टिफ़िन बॉक्स में। आप भी ज़रूर इसे ट्राई करके देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा लगेगा, शायद ये आपके बच्चे को भी बहुत पसंद आए। और मुझे ज़रूर बताना कि मेरा ये यूनिक रेसिपी आपको कैसा लगा। देखिए मेरा सैंडविच जो है वो बिल्कुल रेडी है। मैं आपको तोड़ के इसका अंदर कैसा दिखता है वो भी दिखाना चाहती हूँ। देखिए कैसे लगता है, चीज़ जो है बिल्कुल मेल्ट हो चुका है, ये बहुत क्रिस्पी बना है। ये मैं अभी टोमेटो केचप के साथ सर्व करने वाली हूँ। देखिए मैं कैसे इसको डिश आउट करती हूँ।
बन के तैयार हो चुका है मेरा अंडा भुर्जी चीज सैंडविच। एंड फॉर माई वेजिटेरियन फ्रेंड्स, अगर आप अंडा नहीं खाते हो तो आप ये पनीर भुर्जी के साथ भी ट्राई कर सकते हो। पनीर भुर्जी सैंडविच भी इक्वली टेस्टी होता है, आप जरूर ट्राई करके देखना एक बार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड ज़रूर कमेंट करके बताना कैसा लगा मेरा नया रेसिपी। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर नोटिफिकेशन।